हेलो फ्रेंड्स, मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज लंच में हम बनाएंगे हरी प्याज की सब्जी, जो कि अधिकतर बच्चे नहीं खाते हैं। तो मैंने सोचा चलो आज मसालेदार और चटपटी सी हरी प्याज की सब्जी बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे आधा किलो के करीब ये हरी प्याज काट लिया है, और यहाँ पे मैंने काट लिया है टमाटर, आलू और हरी मिर्च। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई रख लिया है। कढ़ाई में मैं डाल लूँगी जीरा, क्योंकि मेरा तेल गर्म हो चुका है। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें जीरा डाल दूँगी। कुछ नहीं करना होता है हमें हरी प्याज की सब्जी बनाने के लिए, खाली बस सिंपल से मसालों से ही बन जाती है। हरी मिर्च डाल देंगे। इसके बाद मैं इसमें आलू डाल दूँगी डायरेक्ट। आलू को हम थोड़ा सा और डाल देंगे, क्योंकि मैंने 3-4 आलू काटे थे। आलू को मैं थोड़ा सा भून लूँगी, जिससे कि थोड़े से हल्के से सुनहरे हो जाए। 3 से 4 मिनट के लिए हम इनको भून लेंगे। इतने मेरे आलू भून रहे हैं तो मैं कुछ मसाले ले लेती हूँ जो हम सब्जी में ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं हल्दी पाउडर ले लूँगी और धनिया पाउडर, गरम मसाला, ये कैच का गरम मसाला है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और नमक ले लेंगे स्वाद के अनुसार, जितना भी आपको लेना है। और लाल मिर्च पाउडर ले लेंगे हल्का सा, और हींग ले लेंगे। तो गाइस, मेरे 2 से 3 मिनट हो गए हैं आलू भूनते हुए, तो मैं इसमें टमाटर ऐड कर दूँगी। टमाटर को भी हम थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे। आप इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट भी डाल सकते हो, स्किप भी कर सकते हो। तो मैं तो डालूँगी, क्योंकि इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये मसाले इसी के साथ भून जाएगा, मतलब जो पेस्ट है हमारा आलू और टमाटर के साथ ही भून जाएगा। 3 से 4 मिनट इसको भी भून लेंगे हम। तो जो अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था मैंने दोस्तों, इससे 2 से 3 मिनट हो गया भूनते हुए। तो इसमें अब मैं सारे मसाले ऐड कर दूँगी जो मैंने प्लेट में निकाल लिए थे। इन्हें 3 से 4 सेकंड के लिए भून लेंगे हम। तो मसाले मेरे 3 से 4 सेकंड हो गए हैं भूनते हुए। तो मैं इसमें अब हरी प्याज ऐड कर दूँगी, जो कि हमने वॉश करके अच्छी तरीके से एक टोंगे में काट ली थी। तो डाल दूँगी मैं इसमें प्याज, इसको भी मिला लेंगे अच्छी तरीके से। आप इस तरीके से बनाइए, सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनती है, सूखी सब्जी। और आप इसे टिफिन में दीजिए, बच्चों को स्कूल में दीजिए, बहुत ही टेस्टी बनती है। छोटों से लेके बड़ों को सबको पसंद आती है ये वाली सब्ज़ी, क्योंकि एक सूखी सब्जी होती है और हेल्दी भी रहती है। हरी प्याज की सब्ज़ी हमारी आँखों के लिए भी। तो मेरी हरी प्याज बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है, तो मैं इसमें पानी डाल दूँगी। आप सूखी भी बना सकते हो, मैं हल्की सी ग्रेवी वाली बनाऊँगी, ग्रेवी वाली भी काफ़ी अच्छी लगती है हरी प्याज की सब्ज़ी। तो यहाँ पे आप इसे डाल दीजिए, और 5 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे। पानी मैंने इसमें ऐड कर दिया है, आप इसे सूखी भी बना सकते हो एकदम। तो अब इसे मैं ढक दूँगी 4 से 5 मिनट के लिए, और उसके बाद देखते हैं। तो दोस्तों, बना लिया मैंने हरी प्याज की यहाँ पे सब्ज़ी। आपको मेरी सब्ज़ी कैसी लगी हरी प्याज की? अब तो सर्दी आ रही है और बहुत ही अच्छी हरी हरी प्याज आएंगी। आप इस सब्ज़ी को ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट कीजिए। मेरी वीडियो पर नए आए तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। कल फिर मिलते हैं हम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।